नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का यूपी और मैं हूं कुमार अभिषेक। यूपी तक पर हम हाजिर हैं पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में घटित अहम खबरों को लेकर। आज हम आपको बताएंगे कि प्रयागराज में अखाड़ा परिषद ने काशी और मथुरा को लेकर क्या फैसला लिया। काशी में कॉरिडोर की खुदाई के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के पास खुदाई में क्या मिला और आज किस बाहुबली पर चला है योगी सरकार का बुलडोजर। तो चलते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। कुशीनगर में आज एक टीचर की हत्या के बाद भागने की कोशिश कर रहे एक बदमाश को लोगों ने घेर कर और पीट पीट कर मार डाला। कुशीनगर के रामपुर बंगरा गांव की यह घटना है जब अपना स्कूटी साफ कर रहे एक टीचर को एक बदमाश ने गोली से मार डाला। तभी गांव वाले जुट गए और पीट पीट कर उस वक्त ही उसकी हत्या कर दी। हालांकि मौके पर पुलिस भी पहुंची लेकिन लोगों को उसे पीट कर मारने से नहीं रोक पाई। बताया ये जा रहा है कि दोनों पुराने जान पहचान वाले हैं और गोरखपुर से इन दोनों का संबंध रहा है। हालांकि जिस वक्त ये पीट पीट कर ये घटना घट रही थी उस वक्त पुलिस वाले भी मौजूद थे लेकिन पुलिस उस भीड़ को काबू नहीं कर पाई और उस हत्यारे की लोगों ने घेर कर और पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में फिलहाल जांच की जा रही है। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी के निघासन से 3 बार के विधायक निर्वेंद्र कुमार मिश्रा की मौत का मामला अब और तूल पकड़ता जा रहा है। प्रशासन ने जो पीएम रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की है उसमें इस मौत की वजह हार्ट अटैक बताया गया है, जबकि परिवार वालों का आरोप था कि पूर्व विधायक को दबंगों ने पीट पीट कर मार डाला। इस मुद्दे पर सियासत अब तेज होती जा रही है और इसमें भी ब्राह्मण एंगल ढूंढा जा रहा है। आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी, ये सभी पार्टियां अब विधायक के घर पहुंची हैं और इसे एक बार फिर ब्राह्मण की हत्या से जोड़कर देख रही हैं। तमाम दलों ने इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने की कवायद भी शुरू की है लेकिन प्रशासन ने बकायदा आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर कहा कि इसमें कोई पीट पीट कर हत्या नहीं हुई है बल्कि हंगामे के दौरान उनका हार्ट अटैक हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वही सामने आया है। जबकि विधायक के बेटे कह रहे हैं कि दबंगों ने उन्हें पीट कर मारा है। अब देखना यह है कि 3 सदस्यीय जो SIT बनाई गई है उसकी जांच रिपोर्ट में क्या आता है। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। बाहुबलियों पर अब बुलडोजर की कार्रवाई रोज बरोज की कार्रवाई होती दिख रही है। प्रयागराज में नवाब यूसुफ अली रोड पर आज प्रशासन ने अपना बुलडोजर चलाया और इस बार ये बुलडोजर फिर अतीक अहमद के अवैध नुजूल की जमीन पर बने रेस्टोरेंट के कारखाने पर चला। हालांकि 500 गज के इस रेस्टोरेंट के कारखाने को तोड़ दिया गया लेकिन अभी और भी ध्वस्तीकरण होना बाकी है। बताया ये जा रहा है कि प्रयागराज के कई जगहों पर अतीक अहमद ने अपना गैर कानूनी साम्राज्य बना रखा है और एक एक कर यह प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर उन पर चल रहा है। माना यह जा रहा है कि यह पूरा का पूरा नक्शा गलत था और साथ साथ सरकारी और नुजूल की जमीन को हड़प कर उस पर यह कारखाना बनाया गया था और आज प्रशासन ने उस पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी। जल्दी ही पूरा ध्वस्तीकरण होगा। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। वाराणसी में बन रहे काशी कॉरिडोर में चल रही खुदाई के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के पास खुदाई में मंदिर के अवशेष मिले हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर किसी ने कुछ नहीं कहा है लेकिन जो भी अवशेष मिले हैं उसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपा गया है। कई तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं जो खुदाई में वहां मिले हैं। बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 16वीं शताब्दी के आसपास विध्वंस कोई मंदिर का अवशेष इस कॉरिडोर में खुदाई के दौरान मिला है। फिलहाल इसकी जांच चल रही है कि आखिर ये कौन सा मंदिर है और उस पूरे इलाके में इस मंदिर का क्या अस्तित्व था। एक बात और बता दें कि काशी कॉरिडोर के दौरान कई ऐसे मंदिर निकले हैं, कई ऐसे मंदिर नीचे दबे हुए थे और कई मंदिर विध्वंस स्थिति में दिखाई दिए हैं। अभी इस मंदिर के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है लेकिन ये वही इलाका है जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर है और वही इलाका है जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद है। ऐसे में
चर्चाएं काफी तेज हैं। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है, दूसरी तरफ साधुओं के सबसे बड़े संगठन अखाड़ा परिषद ने काशी और मथुरा को मुक्त करने की मांग उठाई है। प्रयागराज में 13 अखाड़ों के सभी प्रतिनिधियों ने आज एक बैठक की है और उस बैठक में कुल 8 प्रस्ताव पास किए हैं, जिसमें सबसे अहम काशी और मथुरा को मुक्त कराने का है। साथ साथ अखाड़ा परिषद ने विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठनों से आगे आकर इसमें मदद करने की बात कही है। कुल मिलाकर आने वाले वक्त में एक बार फिर काशी और मथुरा का मामला गर्मा सकता है, क्योंकि अखाड़ा परिषद देश का साधुओं का सबसे बड़ा संगठन है। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। बलरामपुर में आज एक घर में बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना बड़ा कि 4 किलोमीटर तक उसकी धमाके की आवाज सुनाई दी। पड़ोसी का मकान तक ढह गया। एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि इस मकान में अवैध रूप से पटाखा एकत्र किया जा रहा था और अचानक से उस पटाखे में लगी आग की वजह से यह विस्फोट हुआ है। हालांकि इलाके को पूरी तरीके से सील किया गया और उसके बाद जांच की कार्रवाई चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि बलरामपुर में अभी हाल में ही ISIS का एक एजेंट भी पकड़ा गया था, जिसने दिल्ली में साजिश विस्फोट की थी। हालांकि फिलहाल इन दोनों मामलों में पुलिस कोई संबंध नहीं देख रही है। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। और अब कोरोना से जुड़ी खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के BRD अस्पताल में 300 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। आज उत्तर प्रदेश के IAS सुनील कुमार मौर्य की PGI में कोरोना से मौत हो गई। योगी सरकार के एक और मंत्री सतीश महाना को आज फेफड़े में संक्रमण के बाद PGI में एडमिट कराया गया। चलिए अब हम आपको बताते हैं क्या है उत्तर प्रदेश में कोरोना का सूरत हाल। तो जान लीजिए क्या कहता है आज का कोरोना मीटर। आज 5649 लोग उत्तर प्रदेश में कोरोना से संक्रमित हुए, जबकि 4993 लोग आज ठीक होकर अपने घरों को गए। कुल 56 लोगों की पूरे उत्तर प्रदेश में आज कोरोना से मौत हुई। 2,05,731 लोग अब तक कोरोना से ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं, जबकि 62,144 लोग इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना के सक्रिय केस हैं। तो ये था हमारा आज का कोरोना मीटर। उत्तर प्रदेश के तमाम अहम खबरों को समेटे आप देख रहे थे हमारा कार्यक्रम आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे अपने इस कार्यक्रम को लेकर। तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।